इसमें हमने दो चैप्टर का अध्ययन कर लिया था, पहला आपका रेशियो एनालिसिस, दूसरा कैश फ्लो स्टेटमेंट। आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, आपकी जो चौथी यूनिट का चैप्टर है ऑपरेटिंग एंड फाइनेंसिंग लीवरेज, परिचालन एवं वित्तीय उत्तोलन। इसका आज हम अध्ययन करेंगे। ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग लीवरेज के साथ साथ आपके पास आपके जो सिलेबस में है वो कंबाइंड लीवरेज हो रहे हैं। तो ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग लीवरेज की गणना करने की आवश्यकता क्यों होती है, किन संस्थाओं में होती है, इन पर आज हम परिचर्चा करेंगे। कंपनी को जो अपने जो वित्तीय पूंजी संरचना होती है में आप जो पूंजी इकट्ठी करते हैं वो दो स्रोतों से करते हैं। एक तो इस तरह का देता है पूंजी, दूसरी परिवर्तनशील, लागत वाली पूंजी। इस तरह आपके पास पूंजी में कौन सी पूंजी शामिल की जाती है, आपके ऋण पत्र आ जाते हैं, लोन आ जाता है, पूर्वाधिकार अंश आ जाते हैं, और परिवर्तनशील लागत वाली जो पूंजी होती है इसमें आप कौन से शामिल करते हैं, आपके क्षमता अंश, इक्विटी शेयर और पूर्व धारित आय, रिटेंड अर्निंग जिसमें आप प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल रिजर्व ये शामिल करते हैं। तो जो व्यवसाय में यदि जो रिटर्न है वो स्थायी लागत वाले पूंजी पर खर्च होने वाले ब्याज से यदि अधिक है तो जो आप व्यापार कर रहे हैं वो इसमें यदि आप बाहरी दायित्व लेकर या फिर ऋण लेकर यदि व्यापार करेंगे तो जो अतिरिक्त लाभ होगा वो किनको प्राप्त होगा, क्षमता अंशधारियों को। अर्थात ऋण क्षमता पर व्यापार करते हुए जो आपके इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं उनको लाभ अधिक से अधिक पहुंचाने के लिए आप ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग लीवरेज का यूज करते हैं। इसे हम एक उदाहरण से देखते हैं। आपका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो 15% है, अर्थात जो भी आप परिसंपत्ति व्यवसाय में लगाएंगे उनका 15% आपको आय के रूप में प्राप्त होगा। और आपने जो ऋण ले रखा है उस पर जो आप ब्याज देते हैं वो 9% देते हैं। इस परिस्थिति में यदि व्यवसाय को
जैसे एक व्यवसाय है उसमें जो इक्विटी शेयर्स है वो है 5 लाख की, डिबेंचर्स है 2 लाख की, और जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो आपका है 15%। और जो व्यवसाय को जो ऋण के रूप में चुकाना पड़ता है वो 9% चुकाना पड़ता है। आपको परिस्थितियां दे रखी है कि एक परिस्थिति 15% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो और जो दूसरी परिस्थिति होगी वो अभी आपका रिटर्न हो 6% ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो इन दोनों परिस्थितियों में आप जो अतिरिक्त धन की व्यवस्था करेंगे वो कहाँ से करेंगे? तो पहली जो परिस्थिति है वो आपको जो व्यवसाय में 5 लाख की पूंजी की अतिरिक्त व्यवस्था करनी है। तो पहला जो ऑप्शन आप लोग काम में लेते हैं रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट वो है 15%। तो आप पूंजी की व्यवस्था कौन से अंश से करेंगे? यदि आप पूंजी की व्यवस्था इक्विटी शेयर से करते हैं या फिर डिबेंचर से करते हैं। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है 15%, तो आपका ईबीआईटी हो जाएगा 5 लाख, 2 लाख, 7 और 5 12 12 लाख का 15%। यदि आप इक्विटी शेयर चाहते हो तो भी 1,80,000 रुपये होंगे और आप डिबेंचर चाहते हो तो भी 1,80,000 रुपये होते हैं। इसमें से आप जो बढ़ाएंगे इंटरेस्ट यदि आप पूरे इक्विटी शेयर से आपका 5 लाख का जो अतिरिक्त धन की व्यवस्था आप इक्विटी शेयर से करते हो तो आपको इंटरेस्ट कितना देना होता है? 2 लाख पर 9%, 18,000। यदि आप 5 लाख की व्यवस्था पूर्ण रूप से दृश्य करते हो तो आपको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा? 5 और 2, 7 लाख का।
58,500। तो आफ्टर टैक्स क्या क्या इनकम होगी आपकी? तो यहाँ पे जो रिटर्न आ रहा है वो 11.7%। इस कंडीशन में हमें यह पता चलता है या फिर हम ये इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि डेब्ट रिटर्न ऑफ इक्विटी यदि आपका जो इंटरेस्ट रेट है इससे अधिक है तो आपको क्षमता पर व्यापार करते हुए जो ऋण से अतिरिक्त धन की व्यवस्था करनी चाहिए जिससे जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो बढ़ जाएगा। यदि आप 6% जो रिटर्न ऑन डिबेंचर्स है और रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 6% है तो इस स्थिति में आपका ये रहेगा कि आप इक्विटी शेयर इश्यू करके अतिरिक्त धन की व्यवस्था करें। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, ऑपरेटिंग एंड फाइनेंसिंग लेवल। इसकी थोड़ी बहुत डेफिनेशन वगैरह देख लेते हैं। जो लिवरेज है उसका जो प्रयोग है यांत्रिकी विज्ञान में अधिक किया जाता है कि कम शक्ति से अधिक बार को उठाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसलिए ये एक वित्तीय संस्था है और लागत की पूर्ति के लिए स्थायी और परिवर्तनशील दो तरीके की लागत वाली पूंजी की व्यवस्था करती है। हम ऑपरेटिंग लीवरेज और फाइनेंशियल लीवरेज का
उत्पादक कार्य में यदि स्थायी संपत्ति सॉरी स्थायी लागत यदि उत्पादन कार्य में स्थायी लागत उपस्थित होती है तो उसमें ऑपरेटिंग लीवरेज भी उपस्थित होता है। यदि उत्पादन कार्य में स्थायी लागत नहीं होगी तो उस स्थिति में आपका ऑपरेटिंग लीवरेज उपस्थित नहीं होगा। हम कह सकते हैं यदि जो कोई संस्था है वो अपने उत्पादन कार्य में स्थायी लागत या स्थायी व्यय को वहन करती है तो उस संस्था में आपका ऑपरेटिंग लीवरेज या परिचालन उत्तोलन विद्यमान होता है। आप जो लागतें हैं उनको तीन प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। पहली स्थायी लागतें, दूसरी परिवर्तनशील लागत और तीसरी अर्थपरिवर्तनशील लागत। स्थायी लागतें वह लागत होती है यदि स्थायी लागतें वह लागत होती है संस्था के उत्पादन के विभिन्न स्तर पर ये समान रहती है। यदि उत्पादन 0 यूनिट होगा तो भी संस्था को स्थायी लागत को वहन करनी होती है और यदि उत्पादन 100 यूनिट होगा तो भी स्थायी लागतें संस्था को वहन करनी होती है। अर्थात स्थायी लागतें वे लागतें होती है जो शून्य उत्पादन पर भी संस्था को वहन करनी होती है। परिवर्तनशील लागतें, परिवर्तनशील लागतें कौन सी होती है? परिवर्तनशील लागतें वे लागतें होती है जो उत्पादन के विभिन्न स्तरों पर उसी अनुपात में परिवर्तित होती है जिस अनुपात में उत्पादन का स्तर परिवर्तित होता है। अर्थात उत्पादन के अनुपात में परिवर्तित होती है। अर्थ परिवर्तनशील लागत को दो भागों में विभाजित किया जाता है, स्थायी लागत और परिवर्तनशील लागत। अर्थ परिवर्तनशील लागत वे लागत होती है जो उत्पादन के एक निश्चित स्तर तक तो स्थायी रहती है उसके बाद परिवर्तित हो जाती है। इसमें दो भागों में स्थायी लागत और परिवर्तनशील लागत विभाजित करते हैं। इसका जो स्थायी लागत का जो अंश है वो आप स्थायी लागत में ऐड कर देंगे और इसका जो परिवर्तनशील लागत का जो अंश है आप परिवर्तनशील लागत में अंश ऐड करते हुए दो भागों में स्थायी और परिवर्तनशील लागत में विभाजित करते हैं। जो ऑपरेटिंग लीवरेज है वो आपको यह बताता है कि जो विक्रय की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन होने पर जो आपके परिचालन लाभ है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में किस प्रकार परिवर्तन होगा। अर्थात विक्रय की मात्रा में यदि 20% परिवर्तन होता है 20% बढ़ जाती है तो आपका जो परिचालन लाभ है
40% से बच जाएगा यदि आपका ऑपरेटिंग लिमिट 2 है। ऑपरेटिंग लीवरेज की विशेषताएं, इसकी जो विशेषता है पहली है स्थायी लागत से संबंधित। जो ऑपरेटिंग लीवरेज है वो स्थायी लागत से संबंधित होता है, अर्थात हम कह सकते हैं यदि संस्था के उत्पादन कार्य में स्थायी लागतें नहीं होगी तो आपका ऑपरेटिंग लीवरेज विद्यमान नहीं होगा। यदि संस्था में स्थायी लागतें विद्यमान होगी तभी आपका ऑपरेटिंग लीवरेज विद्यमान रहेगा। दूसरा विशेषता है जो बीईपी पॉइंट होता है, सम विच्छेद बिंदु, अर्थात ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट वह पॉइंट होता है जहां पर संस्था को न लाभ न हानि की स्थिति होती है। ब्रेक इवन पॉइंट के निकट जो आपका परिचालन उत्तोलन है वो सर्वाधिक होता है।
पलट स्थाई आ गया। अर्थात विपरीत राशि बीईपी पॉइंट पर परिवर्तनशील लागत और स्थाई लागत के बराबर होता है। अर्थात संस्था को यहाँ पर न तो लाभ होता है न ही हानि होती है। विशेषता कोऑपरेटिव लीवरेज की जो विशेषता है उसमें यह है कि जो बीईपी पॉइंट होता है न लाभ न हानि का जो पॉइंट होता है उसके पास जो कोऑपरेटिव लीवरेज है वो सबसे अधिक होता है। जैसे जैसे बीईपी पॉइंट से आपका विक्रय दूर हटता जाता है ऑपरेटिंग लीवरेज की मात्रा कम होती जाती है। तीसरी जो विशेषता है वो है व्यावसायिक जोखिम। व्यावसायिक जोखिम भी इसमें होती है क्योंकि इसमें यह दर्शाया जाता है कि ऑपरेटिंग लीवरेज के यदि संस्था के जो ऑपरेटिंग लीवरेज के आधार पर यह बताता है कि विक्रय में परिवर्तन होने पर परिचालन लाभों में किस प्रकार परिवर्तन होता है। यदि विक्रय में वृद्धि होती है तो आपके परिचालन लाभों में भी वृद्धि होती है, विक्रय में कमी होती है तो आपके परिचालन लाभों में भी कमी होती है। यदि आपका जो ऑपरेटिंग लीवरेज 2 है और विक्रय में 20% वृद्धि हो तो आपके परिचालन लाभों में कितने % वृद्धि होगी? 40%। यह तो होगा आपका फेवरेबल। अर्थात यह स्थिति तो आपके व्यवसाय क्षमता के अनुकूल होगी, परंतु यदि आपका जो बिक्री है 20% से गिर जाएगी तो आपके लाभ भी दुगनी गति से गिरेंगे। तो ये एक तरीके से व्यवसाय जोखिम का इंडिकेटर है। तीसरी जो इसकी विशेषता है, चौथी, स्थायी संपत्ति, स्थायी संपत्तियों के मिश्रण का प्रभाव। स्थायी संपत्तियों से स्थायी लागत उत्पन्न होती है और इनका मिश्रण का यह प्रभाव होते हैं। ये जो है परिचालन जो उत्तोलन है वो आपके स्थायी संपत्तियों के उपयोग के कारण उत्पन्न होती है, इसलिए ये स्थायी संपत्तियों के मिश्रण का प्रभाव को प्रकट करती है। अब हम जो ऑपरेटिंग जो लीवरेज है उसकी गणना करते हैं। परिचालन उत्तोलन की गणना, परिचालन उत्तोलन की जो गणना का जो सूत्र है वो है आपका
कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी या फिर सेल्स माइनस सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन ईबीआईटी या फिर आपका कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। सबसे पहले आपको सेल्स दी जाती है। सेल्स में से यदि आप वेरिएबल कॉस्ट में डालेंगे तो आपके पास क्या जाएगा कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन में से आप फिक्स कॉस्ट बढ़ा देंगे तो आपके पास क्या जाएगा earning before interest and tax EBIT इसमें से यदि आप इंटरेस्ट घटा देंगे तो आपके पास जो आएगा वो आ जाएगा earning before tax earning before tax। तो आपके जो ऑपरेटिंग लीवरेज में आपका कंट्रीब्यूशन सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स काम में आता है यदि यदि आपकी जो earning before interest and tax आपकी स्थायी लागतों से अधिक है यदि earning आपकी fixed cost स्थायी लागतों से अधिक है आपकी जो फिक्स कॉस्ट है वो ईबीआईटी से अधिक है तो ये आपके लिए अनफेवरेबल होगा। अनफेवरेबल ऑपरेटिंग लीवरेज और यदि आपकी जो फिक्स कॉस्ट है वो ईबीआईटी से कम है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स तो ये आपके लिए अनफेवरेबल फेवरेबल ऑपरेटिंग लीवरेज होगा। यदि आपकी जो ईबीआईटी है वो फिक्स कॉस्ट से अधिक है तो आपका ये फेवरेबल ऑपरेटिंग लीवरेज होगा और यदि आपकी ईबीआईटी फिक्स कॉस्ट से कम है तो ये आपके लिए अनफेवरेबल लीवरेज होगा। इसका यदि आपको दो विक्रय के स्तर और दो विक्रय के लाभों के स्तर दे रहे हैं तो आप ऑपरेटिंग लीवरेज की गणना कैसे करेंगे। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग लीवरेज तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज आप कैसे निकालेंगे।
जो दो वर्ष है उनमें जो परसेंट परिवर्तन हुआ है, परसेंट चेंज इन प्रॉफिट, यदि आपको जो दो विक्रय के स्तर दिए गए हो और दो लाभों के स्तर दिए गए हो तो आप इस सूत्र से ऑपरेटिव लीवरेज की गणना कर लेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं फिर हम इनका एक क्वेश्चन देखते हैं। जो सामान्य सूत्र में वो इस प्रकार है, जो सेल्स है वो है 20 लाख, वेरिएबल को 40% ऑफ सेल्स, जो फिक्स कॉस्ट है आपकी वो है 4 लाख। आपको क्या ज्ञात करना है, ऑपरेटिंग लीवरेज। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सेल 20 लाख, इसमें से आप लेस करेंगे वेरिएबल को, तो 20 लाख का 40% कितना, 8 लाख, यह आ गया आपका कॉन्ट्रीब्यूशन। इसमें से आप यदि बैठा देंगे फिक्स कॉस्ट, तो क्या आ जाएगा आपका ईबीआईटी। तो फिक्स कॉस्ट कितनी है, 4 लाख, तो आपका ईबीआईटी कितना है, 8 लाख। अब आपको ऑपरेटिंग लीवरेज की गणना करनी है। ऑपरेटिंग लीवरेज का जो फॉर्मूला है वो है कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, 12 लाख अपॉन अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है, 8 लाख। तो आपका जो ऑपरेटिंग लीवरेज है वो 1.5 है, 5 है। ये 1.5 यह दर्शाता है कि यदि आपका विक्रय में 10% परिवर्तन होता है तो आपके जो परिचालन लाभ है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है उसमें 15% परिवर्तन होगा, अर्थात विक्रय के
डेढ़ गुना परिवर्तन होगा किसमें, आपके परिचालन लाभ में। तो यदि लाभ बढ़ रहे हैं तब तो ये छुट्टी आपके लिए अनुकूल है, परंतु यदि बिक्री 10% से कम होती है तो आपके परिचालन लाभ भी 10-15% से कम हो जाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लें, फिर हम जो विभिन्न विक्रय के जो स्तर है उनके आधार पर लीवरेज ऑपरेटिंग लीवरेज की गणना देखते हैं। सेल्स दी गई है आपको जो फर्स्ट लेवल है और सेकंड लेवल है। फर्स्ट लेवल पर 1,00,000 रुपये और दूसरे पर 1,30,000 रुपये। वो जो प्रॉफिट है वो आपका जहां पर 1,00,000 है वहां पर तो आता है 15,000 रुपये और सेकंड सिचुएशन है उसमें आता है 18,000 रुपये। तो आप डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज की गणना कैसे करेंगे, परसेंटेज चेंज इन प्रॉफिट अपॉन परसेंट चेंज इन सेल्स। परसेंट चेंज इन प्रॉफिट और परसेंट चेंज इन सेल्स, परसेंट चेंज इन प्रॉफिट कैसे निकालेंगे आप? लाभों में कितना परिवर्तन आया, 3,000 का कितने पर, 15,000 पर गुणा 100। तो 20% परिवर्तन आया लाभों में और परसेंट चेंज इन सेल्स, ये सेल्स में कितना परिवर्तन है, 30,000 का कितने पर, 1,00,000 पर गुणा 100। तो सेल्स में कितना परसेंट परिवर्तन है, 30%। तो आपकी डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज होगी 20/30, 0.66। अर्थात जो आपकी ऑपरेटिंग लीवरेज है वो 0.66 होगा। तो दोस्तों आपका ऑपरेटिंग लीवरेज का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है यहाँ पे खत्म होता है। आगे हम अगली क्लास में इसके जो एग्जाम पॉइंट में जो क्वेश्चन आते हैं